बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इयाका नअबुदु व इयाका नस्ताईन। मैं आज अपनी टाइगर फोर्स को पहले तो मुबारक देता हूं कि एक उन्होंने आज वो काम किया है, 35 लाख पाकिस्तान में एक दिन में दरख्त लगाए हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड है। तो मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं, जिधर भी हमारे टाइगर फोर्स और नौजवान और हमारे एमएनएस, मिनिस्टर्स, अवाम, जिधर भी आज मेरी कॉल पे वो एक दरख्त लगा रहे हैं, मैं आज आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। और मैं ये जो आज पैगाम देना था अपने अपनी कौम को, वो ये कि देखें, पाकिस्तान को जो अभी अमीन असलम ने आपको बताया, ये दुनिया में वो मुल्क है जिधर जो मौसम तब्दील हो रहा है, यानी कि क्लाइमेट चेंज, जो गर्मी बढ़ती जा रही है दुनिया में, पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि 5 या 8 नंबर पे सबसे ज़्यादा इस मौसम की तब्दीली से मुतासर है। और ये अल्लाह ने हमारे हाथ में ताकत दी हुई है कि हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं, हम इस क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, हम ये जो बढ़ती हुई गर्मी है जिसके आगे बहुत बुरे असरात इस मुल्क के लोगों के ऊपर आएंगे, हमारी जो पैदावार है, जो हम जो गंदम पाकिस्तान उगाता है अपने लोगों के लिए, ये याद रखें पिछले 2 साल गंदम की जो फसल है वो कम हुई है, इस साल 1.5 मिलियन टन गंदम कम हुई है, क्योंकि बारिशें उस वक्त पे हो गई जो उमूमन होती नहीं है, और ये मौसम की तब्दीली की वजह से है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए अल्लाह ने हमारे ऊपर चैलेंज किया है कि क्या हमारे में इतनी हिम्मत है कि हम इसको बदल सकते हैं। और अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, वो मखलूक जो उसकी सबसे अजीम मखलूक है, फरिश्तों को भी कहा कि इसके सामने झुको, क्योंकि अल्लाह ने कहा इसमें वो सलाहियत है जो फरिश्तों में भी नहीं है। तो अपनी ताकत को पहचानो, ये जो हमने अपने मुल्क की तबाही की है, अपने जंगलात ख़त्म करके, अपने दरख्त काट के, उसका ये नुकसान है कि आज पाकिस्तान अगर इसी रास्ते पे चलता रहा तो आगे ये जो हमारे ग्लेशियर हैं, जिधर से दरियाओं में पानी आता है, 80% पानी तो ये ग्लेशियर से आता है जो पहाड़ों पर है, तो अगर ये गर्मी बढ़ती रही, ये ग्लेशियर पिघलते रहे, दरियाओं में कम पानी जाएगा, और इसका नतीजा आगे हमारे कई इलाके रेगिस्तान बन जाएंगे, यहाँ भूख और इफ्लास होगा। इसलिए मैं अपनी आज कौम को कहना चाहता हूँ कि ये हम सब की जिम्मेदारी है अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम पूरी कोशिश करें अपने मुल्क को हरा करने के लिए। और ये जो आज हमने शुरुआत की है, 35 लाख दरख्त आज जो लगाए हैं, ये एक शुरुआत है, ये मुसलसल एक जदोजहद, एक जहाद है, क्योंकि ये अपने ये नहीं कर रहे, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं, ये जो छोटे बच्चे खड़े हैं इनकी फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। और दुनिया में कई मिसालें हैं, जिधर अल्लाह कुरान में कहता है कि कई कौमें तुम्हारे से पहले मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली, और फिर कई कौमें अल्लाह ने बचा ली जब कौम मुनज़्ज़म होकर फैसला करती है कि हम जो अल्लाह की ज़मीन के ऊपर हम नुकसान कर रहे हैं, हम ये नुकसान के बजाय अल्लाह की ज़मीन
में बेहतरी लेके आएंगे, और सबसे बड़ी बेहतरी होती है सदका जारी है एक दरख्त उगाना। तो आज सारी टाइगर फोर्स को और सारे पाकिस्तान के नौजवान और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आज जिन्होंने शिरकत की, फिर से मैं उनको पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मुल्क की तरफ से, और फिर आगे आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये सिर्फ शुरुआत है, ये बड़ी एक लंबी अब जंग चलेगी, लेकिन शुक्र है कि हमने ये शुरू कर दिया ये रास्ता अपनी ज़िंदगी बदलने का, अपने मुल्क को बेहतर करने का। और पहले तो हमने ये मुल्क को हरा करना है, दरख्त उगाने हैं। मैं इंशाल्लाह सारे मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से मिला हूँ, चीफ सेक्रेटरी से, कि हमने शहरों के अंदर भी कोई ऐसी जगह नहीं छोड़नी, कोई खाली स्पेस ना हो जिधर हम दरख्त ना उगाएं। अपने मुल्क को हरा करना है। और जी मुझे पता है ख्वातीन भी हैं, और ख्वातीन ने सबसे ज़्यादा शिरकत करनी है इसमें। और दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि हमने अपने मुल्क को साफ करना है। हमारे दरियाओं का इतना बुरा हाल है, रावी का मैं दो दिन पहले, हम इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा नया शहर बना रहे हैं लाहौर के साथ, एक मॉडर्न सिटी जो कि रावी को भी फिर से ज़िंदा करेगी, जो कि लाहौर का पानी बिल्कुल नीचे चला गया है उसको वापस ऊपर लेके आएंगे, जो हम ये नया प्लान लेके आ रहे हैं, नौकरियां नौजवानों के लिए इंशाल्लाह, बाहर से इन्वेस्टमेंट। तो उसी तरह, और उधर मैं ये कह रहा था कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो रावी एक बड़ा दरिया था, और हमारे देखते देखते रावी एक सूरज का नाला बन गया सर्दियों में। सर्दियों में तो सिर्फ गंदगी होती है वहाँ। तो इसी तरह हमारे बाकी भी, ये जो रावल लेक है इसके अंदर भी हर किस्म की हम गंदगी डालते हैं, कोई सोचते नहीं है कि ये आगे पिंडी के लोगों के लिए उनका वाटर सप्लाई है। तो हमारी सिर्फ पहले तो हमने अपने मुल्क को हरा करना है, सारी जगह दरख्त उगाने हैं सारे पाकिस्तान में, उसके बाद हमने सफाई भी साथ साथ करनी है, अपने दरियाओं को साफ करना है। और जब आप दरख्त उगाएंगे तो जो हमारी माहौलियात है वो भी साफ़ होगी, पोल्यूशन कम होगी। तो हमारी ज़िंदगी में देखते देखते लाहौर में अब सर्दियों के अंदर इतनी पोल्यूशन है, सांस नहीं लिया जाता लोगों से। और मैं आखिर में अमीन असलम, आपको अपनी जो हमारी टीम है, जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है हमारी, मैं आप सबको, आपको इस आज के दिन की मुबारक देता हूँ। उस्मान डार आपको, क्योंकि आपने टाइगर्स को सारी जगह ऑर्गेनाइज़ किया, आपको मैं मुबारक देता हूँ। और जो हमारे, और मैं आखिर में ये अपने टाइगर्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि देखें, आप नौजवान मुल्क की फ्यूचर है। ये जो आपने आज किया, ये आपने अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए, अपने मुल्क के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए किया। लेकिन यहाँ ही नहीं, आपने ये जो कोरोना वायरस के खिलाफ हमने जो एक पूरी जहाद की, उसमें भी जो आपने शिरकत की, और ये जो SOPs, ये जो आपने लोगों को बताया, शऊर पैदा किया, उसकी भी मैं आपको मुबारक देता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान आज वो बड़े कम मुल्कों से है, हम बहुत उन कम मुल्कों में हैं जिन्होंने कामयाबी से, ये इतना बड़ा जो अजाब आया हुआ था इस मुल्क पे और सारी दुनिया पे आया हुआ है कोरोना वायरस का, हम वो मुल्क हैं जिसने मेहनत की, कोशिश की, गवर्नमेंट ने अपनी पूरी कोशिश की, सारे अदारे इकट्ठे हुए, हमने अपने डॉक्टर से मुसलसल मशवरे लिए, हर रोज़ हमने वो काम किया जो बड़े कम दुनिया के मुल्कों में किया, स्मार्ट लॉकडाउन, बजाय हमने अपने सारे मुल्क को बंद करके और इस मुल्क में गुर्बत बढ़ाते, हमने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए,
और आज दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान की वो कामयाब स्ट्रेटजी है जो शायद ही दुनिया में किसी मुल्क की हुई। तो इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हाथ है और हमारे ये जो रजाकार टाइगर फोर्स इनका बहुत बड़ा हाथ है, और ऑफ कोर्स जो हमारी एनसीओसी ने जिस तरह की जो फैसले किए, तो मैं आज उसके भी सबको खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि एक बहुत बड़े अजाब से ये मुल्क बच गया है, लेकिन अभी पूरी तरह बचा नहीं है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि सारे पाकिस्तानी जितनी जब बाहर जाएँ ये फेस मास्क ज़रूर पहन के जाएँ, जिधर पब्लिक में हो, जिधर आप अभी इकट्ठे जमा हुए हैं, तो मैं देख रहा हूँ कईयों ने नहीं पहना हुआ, ये ज़रूर पहने, क्योंकि अल्लाह ने अगर हमारी मेहनतों को नवाजा है और उसने करम किया है और हमें इससे अजाब से बचा लिया, तो उसका उसके लिए हम ये नाशुक्री करेंगे कि अगर हम फेस मास्क ना पहने। और अभी भी मुहर्रम आ रहा है, मैं अपने जो हमारी शिया कम्युनिटी हमारी भाई हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं कि इसमें एहतियात की बहुत ज़रूरत है। आज मैं देख रहा था हमारे बिल्कुल केसेस नीचे चले गए हैं, कहीं हम अपनी बेएहतियाती करके फिर से अपने ऊपर अजाब ना ले लें। तो मैं सबको ताकीद करूंगा कि जब पब्लिक में जाए मास्क पहने, और ये जो मुहर्रम आ रही है इसमें एहतियात करें। मैं देख रहा हूँ कि ईरान में भी वो उनके सारे उलमा ऐलान कर रहे हैं कि ये उस तरह की मुहर्रम नहीं आपने बनानी जिस तरह पहले बनाते थे। इंशाल्लाह ये जब अजाब निकल जाएगा, जब इससे आज़ाद हो जाएंगे, तो फिर वापस उसी तरह चलेंगे, लेकिन ये एहतियात का वक्त है। अल्लाह ने अगर हमारे पे करम किया है तो उसका हम शुक्र अदा करें मास्क पहन के। बहुत बहुत शुक्रिया।